झारखंड सरकार द्वारा चेतावनी जारी किया गया है। इसमें झारखंड के कुछ जिलों में तेज हवा और बारिश का उन्होंने कहा है। हमारे जिले में भी एक्सपेक्टेड है कि तेज बारिश होने का चांसेस है। हवा भी अभी तक तो खैर चेतावनी नहीं है, पर चक्रवात का है, किधर भी घूम सकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरी जो एडवाइजरी है वो पालन करने के लिए हम लोगों ने जितना हमारा सदर अस्पताल है उसमें जो भी जनरेटर्स हैं उनका फ्यूल एडवांस हम लोगों ने मंगा के रख लिया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हम लोग के पास 200 से ऊपर है। राजमहल अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर्स की व्यवस्था कर ली है। साथ ही साथ DFO फॉरेस्ट विभाग को हम लोगों ने वुड कटर्स जो होते हैं उनको तैनात करने के लिए बोला है, 9 ग्रुप में कम से कम 18 आदमी, जिससे कि कहीं भी पेड़ गिर के कोई रास्ता अगर अवरुद्ध होता है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। साथ ही साथ लोगों को भी हमने एडवाइजरी जारी की है, लोगों को माइक से भी बताया जा रहा है कि जब हैवी रेनफॉल होता है उस समय आप घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उसमें लाइटनिंग होने का चांसेस रहता है, उसमें लाइटनिंग से डेथ हो सकती है। साथ ही साथ अपने पशुओं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको बचा के रखें, खुद अपने लाइटनिंग से दूर रहें, घर में रहें जब तेज़ बरसात होती है। तो इस तरीके का सारा एडवाइजरी दे दिया गया है, पुलिस पर्सनल को तैनात किया गया। हम भी अभी फील्ड में इसी चीज़ के लिए निकले हुए हैं, सभी जगह व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। यहाँ CST बोरियों में हमने देखा है, यहाँ पे भी सब व्यवस्थाएँ ठीक है, सिलेंडर्स है और यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था है, फ्यूल भी। थैंक यू।